भाभी जी हमारा तो एक ही इशारा है कि आप हमारी हो जाइए। क्या बोले? अरे तो भाभी जी कैसी हैं आप? हम एकदम तंदुरुस्त बा भरभूति जी, आप कैसे बा? तो जब तक आपके इश्क का टॉनिक मिलता रहेगा हम खुश खुर्रम रहेंगे भाभी जी। आप टॉनिक पीते हैं? रोजाना टॉनिक पीते हैं, रोजाना, एवरी डे, डेली, यस। कौन बीमारी है आपको? भाभी जी मुझे बुखार चढ़ा हुआ है इश्क का। अका बोले? भाभी जी मैं गौर कर रहा हूँ कि आपने मेरे बालों पे गौर नहीं किया। हाय दिया, आपको बाल तो आज बहुत ही अच्छा चमक रहा है, एकदम हीरे जैसा। भाभी जी पता नहीं क्यों जब से आपने इन बालों की तारीफ की है ये बाल खुशी से चमक उठते हैं और बार बार जिद कर रहे हैं मुझसे कि भाभी जी के पास ले चलो, भाभी जी के पास ले चलो। हमें उनके मुंह से अपनी तारीफ सुननी है। नहीं नहीं सचमुच आपको बाल आज बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर। अब वैसे आप क्या करते हैं अपने बालों के साथ? भाभी जी मैं क्या बालों पे बहुत काम करता हूँ। एक महीने में कम से कम मैं इन पे 3,000-4,000 रुपए खर्च करता हूँ, कम से कम। क्या बात कर रहे हैं, 3,000-4,000 केवल बालों पे? कई बार तो भाभी जी 5,000-6,000 भी हो जाते हैं खर्च। क्योंकि क्या है कि जो मेरे बालों का प्रोडक्ट है ना वो बाहर से आते हैं, लंदन से। तो क्या जैसे कि शैम्पू हो गया, कंडीशनर हो गया, वैक्स हो गया, जेल हो गया, सब बाहर से मंगाता हूँ मैं, सब चीज़ बाहर से मंगाता हूँ, नथिंग फ्रॉम इंडिया। वाह वाह भरभूति जी, वाह वाह, क्या बात है, तभी तो इतना चमक है आपके बालों में। लेकिन आप तो नल्ले हैं, आपके पास इतना पैसा कहाँ से आता है? चलता हूँ भाभी जी। हाँ क्या हुआ? क्या हुआ भरभूति जी को, ऐसे अचानक कहाँ चले गए? हम तो बालों का नुस्खा पूछ रहे थे। सुनिए भरभूति जी, हिलो, क्या सोच रहे हैं, किन ख्यालों में उलझे हैं? मैं तुम्हारे ख्यालों में कहीं उलझा हूँ, खुद ही मौजूद नहीं, फिर कभी आना यारो। अका बोले? मैंने कहा भाभी जी कैसी हैं आप? हम तो एकदम तंदुरुस्त हैं, आप कैसे बा? अभी जी हमारा हाल तो बेहाल है, इस तोते को अनु नाम के सयाद ने कैद कर रखा है और वो इस तोते को अपनी मैना से मिलने नहीं दे रही। अब क्या बोलते हैं भरभूति जी, हमरी कुछ नहीं समझ आता है। अगर भाभी जी आपको समझ आ जाएगी तो कयामत नहीं आ जाएगी ईमान से। अका बोले? मैंने कहा भाभी जी अनु बहुत जुल्म ढा रही है मुझ पे। छिपकली? छिपकली? ऑफ कोर्स शी इज छिपकली, छिपकली तो है वो। नहीं नहीं भरभूति जी, छिपकली यहां। यू मीन अब रियल छिपकली देख लिया आपने? हमको बहुत डर लगता है छिपकली से, आई हॉट छिपकली। भाभी जी नॉट हॉट, इट्स हेट, हेट। सही पकड़े हैं, हमारी इंग्लिश सुधारना बंद कीजिए, आइए और हमको बचाइए, आइए। ऑलराइट भाभी जी, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाय दिया, कितना पुराना हो गया हमारा ये पंखा, हमारा प्यारा पंखा, कितने गंदे हो रहे हो तुम, अभी साफ कर देते हैं, रुको। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? हाय दिया भरभूति जी, आप यहाँ कहाँ आए हैं? भाभी जी जो नजरें कल तक देखकर हमारा खैर मकदम किया करती थी वही नजरें हमें देखकर आज आपने फेर ली। आप तो जानते हैं ना भरभूति जी कि जब भी हम किसी गंजा आदमी को देखते हैं तो बेहोश हो जाते हैं। जानता हूँ भाभी जी, इसलिए पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। I'm all safe, भाभी जी। You can look at me. अब मुझे देख सकती हैं, देखिए। Are you sure? Sure तो नहीं, लेकिन sure हूँ। सही पकड़े हैं। देखते हैं। हदिया। Yes। ठीक बा, आइए बैठिए। Thank you, भाभी जी। अब बताइए कैसे बा? बस भाभी जी उस किसान की तरह बेबस, लाचार और मजबूर हूँ जिसकी फसल बर्बाद हो गई है। हदिया, आपका खेत कहाँ है? और कौन सा फसल बर्बाद हो गया? भाभी जी मैं इस खेत की, इस फसल की बात कर रहा हूँ, इसकी। हाँ हाँ ये फसल, हाय दिया आपका ये फसल बहुत अच्छा था, हमको बहुत ही अच्छा लगता था। भाभी जी इसी बात का तो अफसोस है कि आपको ये फसल
बहुत पसंद थी, बहुत अच्छी लगती थी। पर आप टेंशन ना ही लीजिए, ये फसल 6 महीने बाद ना वापस उग जाएगा। अभी जी 6 महीने तक आपकी जुदाई कैसे बर्दाश्त करेंगे? क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी 6 महीने बहुत होते हैं, इट्स अ लॉन्ग टाइम यू नो। हाँ हाँ भरभूति जी, 6 महीने तो बहुत ही ज्यादा होते हैं, और फिर क्या कर सकते हैं, ये सब इंसान के हाथ में ना ही है, ये तो सब नटूरे का खेल है। भाभी जी, इट्स नॉट नटूरे, इट्स नेचर। सही पकड़े हैं। और भाभी जी बहुत पुराना पंखा लेके बैठी हैं, बाबा आदम के जमाने का। अब बाबा आदम का फैन नहीं है, हमारे डैडू का फैन है। हाँ दिख रहा है, वो तो उनकी उम्र का भी लग रहा है। हाँ उका है, बहुत ही पुराना है, लेकिन ये फैन ना हमको बहुत ही प्यारा है। अभी ये फैन तो हम भी आपके, लेकिन बस प्यारे नहीं है आपको। क्या बोले? कुछ नहीं भाभी जी, हवा देता है कि नहीं देता? अरे क्या बात कर रहे हैं, बहुत ही ठंडा ठंडा और तेज हवा देता है, दिखाएं आपको? ऑफ कोर्स दिखाइए ना। आ देखिए। भाभी जी इसमें तो बहुत ठंडी हवा आ रही है। अरे भरभूति जी आपको बोले थे ना, ठंडा ठंडा हवा आ रहा है कि नहीं? भाभी जी बड़े गाने वाने गा रही हैं, लगता है गेट के बाहर लगा हुआ क्रॉस का निशान अभी तक देखा नहीं भाभी जी ने। दौड़ा 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 तुम दबाके दौड़ा। भाभी जी क्या बात है, आज सुबह सुबह बड़े घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। हेलो भरभूति जी, कैसे बा? अभी जी जब से ये मेरे सर का चमन उजड़ा है भाभी जी, जिंदगी एकदम वीरान सी हो गई। जिसने आपको गंजा कर दिया। भाभी जी सर के हरे भरे चमन में एक तितली एंटर करने ही वाली थी कि उस कमबख्त ने पूरा का पूरा चमन उजाड़ दिया। एक घास का तिनका तक नहीं छोड़ा भाभी जी। क्या बोले? पर भाभी जी कैसे लग रहा हूँ इस नए गेटअप में? ना ही भरभूति जी, हमको बिल्कुल अच्छे ना ही लग रहे हैं आप इस रूप में। वो कहा है, आपके बाल ही तो थे जो हमको बहुत अच्छे लगते थे, ऐसे शाफ्ट शाफ्ट मुलायम बाल। जब आप ऐसे कंघी से बनाते थे तो कितना अच्छे लगते थे, अब तो उबाल ही ना ही रहे। अब तो हमको लड्डू के भैया के और घोड़े के पूंछ जैसे कड़क कड़क बाल ही अच्छे लगते हैं। डोंट वरी, वो भी आज साफ होने वाले हैं। क्या बोले? अभी जी चलता हूँ, गुड डे। बाय बाय भाभी जी। हाय दिया, भाभी जी। हाय भरभूति जी, यहाँ ना ही आइए, आपको तो पता है कि गंजों को देखकर हम बेहोश हो जाते हैं। भाभी जी अपनी आंखें तो खोलिए। मैंने कहा भाभी जी अपनी आंखें तो खोलिए, देखें। देखिए ना भाभी जी, ऐसे क्या देख रही हैं आप? क्या है भाभी जी, मैंने अपने सर के चमन पर आपकी मोहब्बत के फूल खिला लिए। देखिए भरभूति जी, हमको पता है कि आप गंजे हैं और अपना गंजापन छुपाने के लिए ये जो है गुलदस्ता लगा लिए हैं, आपका हमको फूल समझते हैं। भाभी जी मैं तो आपको शुरू से ही फूल समझता हूँ। क्या बोले? भाभी जी ऑफ कोर्स नॉट, मैं तो आपको दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट, समझदार, ज़हीनो तरीन औरत समझता हूँ। तो फिर हमको फूल काहे बना रहे हैं? भाभी जी फूल नहीं, आप तो मेरी मोहब्बत का फ्यूल है। क्या बोले? भाभी जी यू आर नॉट अ फूल, ऑफ कोर्स नॉट, ऑफ कोर्स नॉट। देखिए भरभूति जी, हम आपसे एक ठो बात कहना चाहते हैं। कहिए ना भाभी जी। वो कहा है कि आपके इन फूलों पर ना एक ठो शेयर करना चाहते हैं। जरूर करिए, पब्लिकली करिए। कर्ज किया है भाभी जी, कर्ज चिंटू जी कर चुके हैं, आप कर्ज कीजिए ना। असली पकड़े हैं। तो हकीकत छुप नहीं सकती अब बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती अब कागज के फूलों से। वाह भाभी जी वाह, क्या शेर कहा है आपने, एकदम ओरिजिनल। इसके काउंटर में एक शेर कहना चाहता हूँ, अगर आप कहें तो मैं कर दूं। तो कीजिए ना, मर बेहया मर बेहया। एक्चुअली एक लेवल पे तो मैं बहुत बड़ा बेहया हूँ, लेकिन इट्स मरहबा भाभी जी मरहबा। एनीवे शेर है कि हकीकत छुप भी सकती है अगर आपस में मेल हो, और खुशबू आ भी सकती है अगर कागज के फूलों में मट्टी का तेल हो। जी स्निफ मी, मुझे सूंघिए, मेरे फूलों को सूंघिए, कम ऑन भाभी जी, कम ऑन, डोंट बी शाय, सूंघिए ना प्लीज। प्लीज
अभी जी क्या कर रही है? मैं चल जाऊंगा, भाभी चल जाऊंगा।